मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी बने बड़ी चुनौती। 2024 में फिर आमने सामने होंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी। आखिरकार इस बार कौन बनेगा अमेठी से सांसद, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? लेकिन इससे पहले सदन में मणिपुर पर आपस में भिड़े राहुल गांधी स्मृति ईरानी। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी, लोकतंत्र को भूल जाइए 2 मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के MLA का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में, लीपापोती आपकी सरकार करती, आप चुप रहते हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सत्ता की कुर्सी में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जो ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त गले की फांस बने हुए हैं, बल्कि वह तो मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों के लिए भी इस वक्त नई नई मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी जिनके साथ कड़ी टक्कर देखने को मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की, और एक बार फिर से राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी हम सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस खेमे की तरफ से एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया गया है, और ये ऐलान किया गया है यूपी कांग्रेस से अध्यक्ष अजय राय की तरफ से। अजय राय ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। अजय राय का साफ तौर पर कहना रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जो मोदी सर ने मानहानि केस में राहत पा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी सजा पर जब से स्टे लगा है उसके बाद से उनकी लोकसभा से सांसदी भी बहाल कर दी गई। अब इस सांसदी के बहाल हो जाने के बाद राहुल गांधी 2024 में आखिरकार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड या फिर रायबरेली, या फिर यूं कहा जाए गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी एक वक्त अमेठी सीट, या फिर अमेठी से ही? सवाल यहां पर अमेठी को लेकर लगातार उठ रहे हैं, और अमेठी को लेकर बार बार स्मृति ईरानी ने बार बार राहुल गांधी को चुनौती दी है। ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए स्मृति ईरानी एक बार फिर से आगे आती हुई दिखाई दे सकती हैं, और यहाँ पर महामुकाबला देखने को मिलेगा जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। और ऐसे में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात रखी है, आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार अजय राय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा।
दरअसल आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा, राहुल गांधी निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहां हैं। इतना ही नहीं, दूसरी ही तरफ उनसे जब सवाल पूछा गया कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हार का स्वाद चखाने वाली स्मृति ईरानी के बारे में, तब उनका साफ तौर पर कहना रहा कि वो निराश दिखती हैं। इस तरह से यहां पर अजय राय ने अपनी बात रखी, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस से दीपक सिंह ने भी अपनी बात रखी है। दीपक सिंह क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना परिवार मानते हैं और राहुल गांधी जी अमेठी के लोगों अपना परिवार मानते हैं। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर दीपक सिंह भी ऐलान कर चुके हैं, अब देखा जाए यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आखिरकार यहाँ पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी किस तरीके से एक दूसरे से यहाँ पर अब भिड़ते हुए नजर आएंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और उन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी ने हार का सामना किया, लेकिन अब 2024 में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि क्षेत्र में स्मृति ईरानी की सक्रिय भूमिका ने बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत तो किया, लेकिन अमेठी लोकसभा सीट पर ईरानी के समर्थक केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए विकास कार्यों का बखान करते हुए नजर आए हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरह से 2019 में जिस तरह से हार का सामना किया, राहुल गांधी इस हार का सामना करने के बाद अमेठी में 3 बार दौरा करते हुए नजर आए और निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी हमें हर जगह अब देखने को मिल रहा है। गौर किया जाए लोकसभा सदन की तरफ तो संसद में भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर बरसती हुई नजर आई, जब मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी ने अपनी सांसदी बहाल हो जाने के बाद 9 अगस्त के दिन बात रखी थी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और स्मृति ईरानी क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिए जरा। बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, भारत, माननीय मंत्री जी, भारत बैठिए, भारत माता, प्लीज बैठिए, भारत माता, प्लीज बैठिए, प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए, नहीं, गलत गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर, प्लीज, जैसे मैंने, प्लीज ब्रदर, ब्रदर, प्लीज भाई, पानी। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देश भक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज, एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए, आप एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए,
एक मिनट, आप भी विराज हो, आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो, आप बैठिए आप प्लीज बैठिए आप प्लीज आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानी सुबह प्लीज मानी सुबह प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? और इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। आप ये पहले आप गलत तरीका आपका माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए, आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकरण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप सही है, बोले आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो। आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है और अगर सदन, विशेषतः विपक्ष, मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट, इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज people like you need to remember what was told to the British, quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की
की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही, जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया, यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस, यू आर नॉट इंडिया। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी पर बरसती हुई नजर आई स्मृति ईरानी, और इसके बाद देखा गया है कि दोनों को लेकर एक बार फिर से सियासी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन अमेठी सीट जो काफी ज्यादा मायने रखती है गांधी परिवार के लिए, गांधी परिवार का ये सीट गढ़ मानी जाती है, और ऐसे में देखा जाए तो अमेठी के इतिहास पर रुख किया जाए तो इतिहास काफी ज्यादा शानदार रहा है गांधी परिवार के लिए। दरअसल आपको बता दें कि 2004 में जब राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़े उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 2019 में एक सियासी उलटफेर देखने को मिला, और इस सियासी उलटफेर में हम सभी ने यही देखा कि किस तरह से स्मृति ईरानी बाजी मार ले गई। लेकिन इतिहास पर रुख किया जाए तो इतिहास में यही देखने को मिला है कि अमेठी से कांग्रेस ने महज इस सीट से दो बार ही हार का सामना किया है। जी हाँ, पारंपरिक सीट मानी जाती है नेहरू गांधी परिवार के लिए, और ऐसे में देखा जाए इसी पारंपरिक सीट से राहुल गांधी एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। इस सीट से परिवार को सिर्फ दो बार ही हार का सामना करना पड़ा है, जब संजय गांधी जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए थे, और दूसरी बार जब राहुल गांधी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गई। तो यहाँ पर यह सब देखने को मिला है, तो ऐसे में अमेठी का इतिहास काफी शानदार रहा है। लेकिन अब यहां पर किस तरह से एक बेहद बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है जो काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। एक तरफ अमेठी सीट को लेकर ये तमाम खुलासे हो रहे हैं, वहीं यहाँ पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं अमेठी से आगे की जा सकती हैं अगर राहुल गांधी को आगे नहीं किया गया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी अटकलें तेज हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि कांग्रेस खेमे से किस तरीके की बयानबाजी सुनने को मिल रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस यहाँ पर स्मृति ईरानी की रणनीतियों को जुमलेबाजी बताती हुई देखी जाती है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जिन्होंने स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोल दिया, और स्मृति ईरानी की जुमलेबाजी पर वह सुप्रिया श्रीनेत जवाब देती हुई नजर आई हैं। मोदी का संदेश है, 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर आओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। स्मृति जी, 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी, लोकतंत्र को भूल जाइए दो मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में,
लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस जुमलेबाजी और हकीकत को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आई। ये कांग्रेस के मुताबिक सामने आया है, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि देश की आवाम और देश की जनता क्या कुछ कहती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जब हमारे सहयोगी ऋतिक यहाँ मैदान में उतरे, ऋतिक जिस तरीके से सड़कों पर जनता का हाल जानते हुए नजर आए, जनता की राय लेने के लिए पहुंचे, तो जनता ने यहाँ पर राहुल गांधी को खुलकर समर्थन दिया। और लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी अपनी बातें रखते हुए नजर आए थे, उस लोकसभा में सदन में राहुल गांधी को जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को लेकर यही दावा किया गया कि स्मृति ईरानी को वह फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए हैं 9 अगस्त के दिन। तो उस फ्लाइंग किस को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और पब्लिक यहां पर क्या कुछ कहती हुई नजर आई है, देखें जरा। गठबंधन ने डिसाइड किया है कि अगर मौका मिलता है तो राहुल जी को। गठबंधन ने आपको बता दिया है? नहीं, मुझे जहां तक लगता है मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तो राहुल गांधी पीएम है। अच्छा, तो मैं तो अपना राय रखूंगी, महिला कांग्रेस की तरफ से मैं चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं कि अब तीसरे टर्म में आने वाले हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, मणिपुर में शांति हो रही है, ठीक है, जो है घोटाले कम हो गए, भ्रष्टाचार कम हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कल उन्होंने कही हैं, आपने सुनी होंगी? जी जी बिल्कुल सुना है, आपने देखा होगा जब बच्चा 9th class या 10th class में फेल होता है तो बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर करूँगा, फिर वो दोबारा फेल होता है, फिर बोलता है मैं इससे बेटर करूँगा। ये तीसरे टाइम फेल होने के लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे भी अब एक बार और परीक्षा देने दो, लेकिन ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि इनके झूठे वादे चप्पा चप्पा ड्राइवर से लेके महिला एक एक घर की, सारे लोग इनकी असलियत जान चुके हैं, बेरोजगार लड़के इनका असलियत जान चुके हैं, अब इनसे कुछ भी होने जाने का नहीं है। क्योंकि झूठ का जो पकवान होता है ना, वो 2-3 बार सुन के पेट भर सकता है, 4th बार में भूख लग जाती है और हमें पकवान की आवश्यकता हो जाती है, तो उनका झूठा पकवान अब चलने वाला नहीं है। कैसे हराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? आप देख नहीं सकते हैं कि यहाँ पर उनका गढ़ कितना बढ़ चुका है, कितना विस्तार हो चुका है पार्टी का। बीजेपी पार्टी जमीनी स्तर पर चाणक्य नीति के लिए जानी जाती है, आप कैसे इस नीतियों को देखती हैं? देखिए, मैं तो इसे चाणक्य नीति नहीं मानती हूँ, झूठ बोलकर चाणक्य ने कभी कोई काम नहीं किया है। चाणक्य जो हमारे थे वो हमेशा सच बोलते थे, तो कोई भी ऐरा गहरा आया चार झूठ बोला और चाणक्य, अमित शाह को चाणक्य बोलते हैं लोग, बोलते हैं, वही तो मैं बताई, कोई भी ऐरा गहरा आएगा और चाणक्य बन जाएगा तो फिर बात ही अलग है। तब तो मैं भी चाणक्य हूँ, मैं भी चार झूठ आपसे बोल सकती हूँ, मैं भी वायदे कर सकती हूँ। वायदे धरती पे कितने उतरे हैं ये आपको देखना होगा, और हम लोग जन जन तक जाएंगे, सबको पहुँचाएंगे ये बात कि उन्होंने कहा क्या और किया क्या। तो 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की है, राहुल गांधी में खासियत क्या है, क्या क्या आपको उनका अच्छा लगा, ये जानने का प्रयास करेंगे आपसे। सबसे पहली बात, वो एक इनोसेंट इंसान है, ठीक है, और जनता के दर्द को जो समझे, जो जनता के बीच में रहना पसंद करे, वही नेता होता है। आपने इनोसेंट की बात की, स्मृति ईरानी कह रही है फ्लाइंग किस कर रहे हैं संसद में, अब स्मृति ईरानी को देखकर दिन इतना खराब आ गया है कि वो फ्लाइंग किस करने लगे, हम लोग जैसी लड़कियां मर रहे हैं उनके ऊपर, हम लोग चाहते हैं कि एक बार फ्लाइंग किस कर दें, हम लोग बेहोश हो जाएं। वो हमारे ऊपर कर नहीं रहे हैं, वो उनके ऊपर कर रहे हैं, उनका उम्र हो गया, आंटी समझ के किए होंगे, बस और क्या कह सकते हैं। मतलब किया है, अब वो कह रही है उन्होंने देखा है, बाकी तो हेमा मालिनी ने क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं देखा है, अब उन्होंने देखा है और उन्होंने किया है, तो आंटी समझ के किया होगा यार, प्यार से हम लोग भी कर देते हैं। फ्लैंकी से एक शाहरुख खान करे तो बड़ा अच्छा, राहुल जी कर दे तो बड़ा बुरा, क्यों भाई? लीडर वो भी है, हीरो वो भी है हमारे नेता, हम लोग भी चाहते हैं एक बार वो गुजरते हुए हम लोग को फ्लैंकिस कर दें। हर लड़कियां चाहती है, हर किसी का ड्रीम होता है, किए होंगे तो बहुत अच्छे है, नहीं किए तो उनको देखकर कर नहीं सकते। आपका वोट राहुल? बिल्कुल, वोट सपोर्ट सब। जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम है आपका? यशिका सिंह। मैं झारखंड से हूँ। कैसे देखती हूँ, चुनाव नजदीक है, 8 से 9 महीने रह गए हैं, उसके बाद देखना क्या, हम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री मान चुके हैं, वो बने ना बने हमारे लिए राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। झारखंड की जनता क्या सोचती है इस विषय में? झारखंड में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, JMM है, कांग्रेस है, BJP है, अभी तो JMM की सरकार चल रही, गठबंधन की सरकार है कांग्रेस और JMM की, फिर से अगर हम अगर झारखंड का तो पता नहीं, कि मैं चाहती हूँ कि अकेले सरकार बने कांग्रेस का झारखंड में। आसपास के पड़ोस की आपके लोग रहते होंगे आपके घर के आसपास, वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के लिए? लोगों का पता नहीं, मैं नहीं बता सकती मैं क्या सोचती हूँ वो मैं सिर्फ जानती हूँ, मैं लोगों के बारे में नहीं बता सकती।
कभी कहते हैं फ्लाइंग किस दे रहे हैं, कभी कहते हैं पप्पू हैं, इस तरीके की बात करते हैं, आज भी बोल रहे हैं संसद में। देखिए, मैं भाजपा की सांसद हेमा मालिनी की बात कर दूं, खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, क्या मजाक है। एक तरफ वो सांसद स्टेटमेंट दे रही है कि राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस देते हुए हमने देखा ही नहीं है, दूसरे तरफ जो रिटर्न कंप्लेन गया है महिला सांसदों का जो भाजपा की है उस पर उनका सिग्नेचर है। मैं कहती हूँ कि स्मृति ईरानी जो अपने आप को मजाक बनाई हुई है वो तो हर जगह कैमरे में कैद है, लेकिन फ्लाइंग किस हमारे नेता दे रहे थे तो बहुत सुंदर सुंदर। मैं पूछती हूँ कि स्मृति ईरानी अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती हैं क्या? वो राहुल जी की माँ की उम्र की हैं, शर्म आनी चाहिए। फ्लाइंग किस देते हुए अगर कहीं वो उन्होंने दिया है तो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। ये आरोप लगाना, वो मुद्दे को भटका रही हैं उनको मणिपुर की महिलाओं के बारे में। जमकर ट्रोल हो रहे हैं इन दिनों संसद की, बात सुन लीजिए आप। जब वो बात बोलते हैं स्मृति ईरानी ऊपर आरोप लगाती है कि फ्लाइंग किस कर रहे हैं, हमने देखा कि वो स्मृति ईरानी के ऊपर ही फ्लाइंग किस गई भाई, उसके ऊपर ही कैसे चली गई हैं उन्होंने फ्लाइंग किस। भाई एक हमारे यहाँ नैरेटिव बन गया है कि किसी को भी नफरत की आग में जला दो, है ना, कि अगर हम किसी को प्यार से फ्लाइंग किस दे वो प्यार है, एक बच्चे को भी प्यार करते हैं फ्लाइंग किस, मतलब एक ओजस्व है वो फ्लाइंग किस। यहाँ दिया भाई वहाँ जाके चिपक गई है, क्या हिसाब किताब है? वो कह रहे कि मुझको दिया है, मुझको दिया है, वहाँ से हेमा मालिनी जी भी आ गए कि मुझको भी दिया है। हमने भाई और लोगों को देखा है, हमने आसाराम के साथ मोदी जी को देखा है, हमने मोदी जी को लास वेगस में भी देखा है, हॉलीवुड जाते थे वो, कह रहे हम 35-35 साल तक भीख मांग के खाते थे, वो निकम्मा बच्चा होगा जो माँ घर में बर्तन धो रही है वो भीख मांग के खा रही है और बच्चा मजे कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। गांधी बसते हैं, आप ये सुनिए कि राहुल गांधी अब जननायक बन चुके हैं, यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जनता उनको समर्थन कर रही है, लगातार जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी कई सारे नेता आज भी उनको पप्पू कह के बोलते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपको देखने मिल रही है कि वो लगातार हमारे राहुल गांधी जी को, हमारे देश की जनता आह भरकर फैला रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आप भारतीय जनता आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर क्षमता है तो आओ राहुल गांधी का सामना करो, अगर है क्षमता तो आओ आप चुनाव में युद्ध करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से समूचे भारत में आवाज पहुंचाएं, हमारे देश के एक एक युवा के हृदय में आदरणीय राहुल गांधी जी बसते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार देखिए आपका ये जो पोस्टर लगा है यहाँ पर महंगाई के मुद्दे की भी बात की गई है, लेकिन स्मृति ईरानी को महंगाई नजर नहीं आ रही है, निर्मला सीतारमण को महंगाई नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कहते हुए मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है, जिस प्रकार स्मृति ईरानी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस के शासनकाल में जब 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था तब ये सर पे सिलेंडर लेकर संसद का घेराव करती थी, और आज आप देखिए वही गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में 1200 रुपए का मिल रहा है। आप डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, आज महंगाई ने एक गरीब जनता की कमर को तोड़ने का कार्य किया है, और वही मोदी सरकार केवल अंबानी और अडानी को बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज निवेदन करना चाहती कहती है कि लगातार आय बढ़ रही है, आय हाँ मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी कहती आय बढ़ रही है, परंतु आय अमित शाह की बढ़ रही है, आय नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है, आय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ रही है, आय अगर किसी की मारी गई है तो गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित भाइयों की मारी गई है। कह रहे हैं कि गरीबी और अमीरी की खाई को खत्म कर दिया है, निश्चित रूप से वह जो कथन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में जो अंतर है वह निश्चित रूप को आपको देखने में मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आने चाहिए कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार कराते हैं। यहाँ पर है कि स्मृति ईरानी डायरेक्टली राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, कह रही इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव होगा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, बायनाड से स्मृति ईरानी क्या जीत पाएंगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात स्मृति ईरानी की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में क्षमता नहीं है जो हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मुकाबला कर सके। मुकाबला करना है तो सच के मैदान में करो, ये झूठ की राजनीति, गंदगी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। युवाओं के एक एक दिल में राहुल गांधी बसते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आदरणीय राहुल गांधी का मुकाबला कर सके। आपने सुना कि किस तरीके से स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी अब देखने को मिल रहा है। सवाल यहां पर यही उठते हैं कि 2024 में आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर वायनाड से या फिर रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी लगातार सांसद हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं वह मैदान में उतरती हुई नहीं देखी जा सकती हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। ऐसे में 2024 में राहुल गांधी किस सीट से, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वाकई में राहुल गांधी को
अमेठी से ही चुनाव लड़ने चाहिए। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।